हेलो बच्चों, कैसे हो? सब मजे में हो? चलिए, आज मैं सरिता भाटिया आपको कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत में पाठ 3 बस की यात्रा नामक पाठ पढ़ाऊंगी। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इसका पहला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब शेष बचे हुए पाठ को हम इस दूसरे वीडियो के माध्यम से समझते हैं। बस धीरे धीरे आगे चली, पर लेखक को अब उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, क्योंकि कभी भी ब्रेक फेल हो सकता था या स्टीयरिंग टूट सकता था। लेखक बहुत डरा व सहमा हुआ था, इसी कारण सड़क किनारे लगे पेड़ों को भी अपना दुश्मन समझने लगा। जो भी पेड़ आता सोचता कि बस इससे टकराएगी। एक पेड़ निकलने पर दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगाएगी। बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है, यह तो इत्तफाक की बात है। लेखक को क्षीण चांदनी में खड़ी बस बड़ी दयनीय अर्थात दया करने योग्य लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो कोई वृद्धा अर्थात बुजुर्ग महिला थककर बैठ गई हो। लेखक को ग्लानि होने लगी कि बेचारी पर हम लदकर चले आ रहे हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोलकर उसमें कुछ ठीक किया। बस चल पड़ी, पर उसकी रफ्तार और या चाल और भी कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही हो। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एक किनारे खड़ी हो जाती और मानो कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही टायर फिस करके बैठ गया। अगर बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। इन सब घटनाओं को देखकर लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा कि टायरों व बस की हालत जानकर भी स्वयं इतने यात्रियों के साथ बस में सफर कर रहे हैं। इन्हें तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, क्योंकि इनके साहस और बलिदानी भावना का यहाँ सही उपयोग नहीं हो रहा है। अगर आज बस नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे इंतजार करते और कहते कि देखो वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा हुआ टायर लगाया गया और बस फिर चल पड़ी। पर लेखक ने अब गंतव्य पर वक्त से पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। वह भी अपने और साथियों की तरह तनाव और चिंता मुक्त होकर इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए और हंसी मजाक करने लगे। बच्चों, जैसा आपने देखा कि यह पाठ व्यंग और हास्यपूर्ण भाषा शैली में लिखा गया है, इससे हमारा मनोरंजन तो हुआ ही, साथ ही लेखक सावधान करना चाहता है कि पुराने एवं जर्जर हालत वाले वाहनों द्वारा यात्रा करना जानबूझकर अपने प्राण संकट में डालना है। अतः लेखक उन वाहन संचालकों को संदेश देना चाहता है कि ऐसे वाहन सड़कों पर नहीं चलाने चाहिए जिससे अनेक व्यक्तियों की जान को खतरा हो। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जल्दी ही अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।